दोस्तों फ़दक हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर जो 8 जनवरी 2020 को हुआ है। यह है बुकलेट सीरीज सी। तो इस वीडियो में आपको मैथ की आंसर की दे रहा हूँ, इसके बाद मैथ का सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर पेश करूँगा। तो यह है भाग फोर्थ मैथमेटिक्स यानी गणित। तो यह है मैथ सेक्शन का पहला प्रश्न। एक पाथा यह है गणित का पहला प्रश्न। एक पाथागोरस त्रिक ज्ञात की जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो यह है हमारी पाथागोरस, ये नहीं है और ये है, तो लेकिन इसकी छोटी छोटी 6 संख्या है, तो ये भी नहीं है। यह है 8, 15, 17। इसका 17 का स्क्वायर करें और 8 स्क्वायर और 15 का स्क्वायर को जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाए, तो इसी को हम पाथागोरस त्रिक कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न है जेड का मान ज्ञात कीजिए। यदि संख्या 4, 1, 7 और यह जेड है, यह 8 है, जो 9 से भाज्य है, इनको जोड़ दें तो इसका योग, अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो ये 9 संख्या 9 से भाज्य होगी, तो जेड की जगह हमारा 7 आएगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है यदि 2160 को a^2, a^3, b^5, c है तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू यही है 81/40। तो एक पहला ही ऑप्शन इसका सही है। पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान ज्ञात करना है। इसमें x की जगह कौन सी संख्या आएगी, यहाँ देख रहे हैं एक का x क्या है, 2 का क्यूब यहाँ पर है, 3 का क्यूब ये है, 4 का क्यूब ये है, तो 1 का क्यूब एक ही होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन इसका सही है, x की जगह एक ही आ जाए क्योंकि एक का क्यूब एक ही रहेगा। अगले प्रश्न देखते हैं किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न पत्र का 96वां और गणित का 6ठा प्रश्न है। ये एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आया है 37.5%। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो ये आएगा हमारा 72 वर्ग इकाई। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 2018 में अमित का वेतन ₹1,26,500 है। वर्ष 2016 में से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2018 में उसका वेतन कितना होता, तो अभी मैं आपको इसके सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसका आंसर सिर्फ बता रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन बाद में वीडियो बनाकर डालूंगा। तो इसमें 1,00,000 रुपये आई है 2016 में इसका वेतन। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का बहत्तर सामर्थ्य और लगातार सामर्थ्य दिया गया है 6 और 432 है। एक संख्या 48 है तो इनका दोनों का गुणा करके 48 से भाग दे देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ये संख्या हमारी निकल के आई है 54। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, तो ये 27 तारीख को पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही है। -2 पे घात -1 पर भी -1 की घात है तो इसका सरलीकरण करें तो सिर्फ 2 ही अंश संख्या आ जाएगी। तो इसमें कौन सी है, अभाज्य संख्या होगी, ये अभाज्य नहीं होगी, हाँ ये अभाज्य संख्या आएगी। तो ये ए सही है, सम संख्या होगी, बी सही है, 2 गुणा होगी, सी सही है, विषम संख्या होगी, ये डी गलत है। तो इसमें ए बी सी सही है, तो ए बी सी तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो ये पहला ही कथन हमारा सही है कि विषम संख्या भाज्य भी, यानी एक भाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। जैसे 15 है तो ये भाज्य भी है और विषम भी है, तो पहला ही इसका ऑप्शन सही है। एक बहुभुज के अंत एवं वाय कोणों का अंतर 60 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो इसमें भुजाओं की संख्या 6 आई है, पहला ऑप्शन इसका सही है। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है
तो एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो इसको सॉल्व करके निकाला गया तो ये आया है 24.4%। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी कमरे में 15 मीटर 17 सेमी लंबे 9 मीटर और 2 सेमी चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली बर्गर ट्रायलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए न्यूनतम संख्या 814 आई है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 108वां इस प्रश्न पत्र का प्रश्न है और मैथ का 18वां प्रश्न है। इसको हम सॉल्व करते हैं। गुणनफल दिया गया है ये 2153 पर घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका इकाई का अंक 7 आएगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। 109वां प्रश्न देखें, एक भिन्न के अंश को 20% उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न आई है हमारी 5/8। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 110वें सवाल में देखें, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं 8 से वही भाज्य होगी जिसके लास्ट की तीन किसी संख्या के अंत के तीन अंकों वाली संख्या, यानी तीन अंक अगर 8 से भाज्य हैं तो वो भी संख्या भाज्य होगी। 8 3 24 ये संख्या भाज्य है। 8 1 8 यहाँ बचेंगे 4, 48 में 8 से 48, तो ये तीन अंक भी 8 से भाज्य है। तो ये दोनों ही संख्याएं 8 से भाज्य हैं, तो 1 और 3 सही है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 111वां सवाल, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है। 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि हुई? तो इसमें 10% हानि हुई है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न 113वां है, रिक्त स्थान के लिए कौन सी संख्या विकल्प सही है? 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम। तो ए भी सही है, 10 इस पे 10^3 कर दो, ऊपर -3 हो जाएगी, तो यह बी भी सही है और बाकी गलत है। ये ए और बी ही सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। 114वें प्रश्न में दिया है, 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.01%, और 1/ इसी को हम 1/100% भी लिख सकते हैं। तो ए और डी सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। 115वें सवाल में देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5/36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर 5/36 आएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 115वें सवाल में k का मान निकाला है तो ये k का मान 2 आया है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 117वें सवाल में, निम्न में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो इसमें वैसे तो चार भुज, इसमें से चार त्रिभुज बन सकते हैं लेकिन वो असंभव है, एक ही संभव है इसमें, तो एक ऑप्शन इसका सही है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, एक त्रिभुज इसमें बन जाएगा। 118वें सवाल में, एक भिन्न का हर और अंश, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या मूल भिन्न कितनी होगी? तो ये 4/9 निकल के आई है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 119वें सवाल में, इसे सरल करना है तो इसे सरल किया है हमने, 13 में से 6 घटाएंगे पहले, तो 6 बचेगा, 6 का भाग देंगे 24 हो जाएगा, 24 6 4 आ जाएगा, 6 6 24, 4 8 घटा देंगे तो ये 4 बचेगा, 4 ये प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे। चौथा ऑप्शन इसका सही है। यह है 120वां सवाल, इस प्रश्न पत्र का 120वां है, गणित का 30वां सवाल है, ये लास्ट है मैथमेटिक्स पार्ट का। तो ये ए और 8 ये दो संख्याएं हैं, इसका मासा 4 है और लासा हमारा 24 है, तो ए का मान क्या होगा? तो ये ए का मान निकल के आया है हमारा 4 3 12, 12 संख्या आई है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। और इसका अभी मैंने इसका आंसर की दी है और इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन पेश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।